हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और ये जो अपडेट है वो यूट्यूब चैनल हैंडल को लेके किया गया है। इस अपडेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे यूट्यूब पर स्कैम कम हो जाएगा, स्पैम भी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब भी हम यूट्यूब पर किसी भी चैनल को सर्च करते हैं उसका नाम डाल के, तो आपने देखा होगा वहाँ पर काफ़ी सारे चैनल के नेम आ जाते हैं, सेम नाम से एक जैसे काफ़ी सारे चैनल आ जाते हैं, जिससे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका चैनल कौन सा है। लेकिन जो ये अपडेट है इसके अंदर हम अपना खुद का एक यूनिक चैनल हैंडल URL सेट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जब भी कोई YouTube पर हमारे इस चैनल हैंडल को डाल के सर्च करेगा, मतलब एट द रेट और हमारा जो चैनल हैंडल का जो URL हम बनाएंगे उसे डाल के वो सर्च करेगा, तो उसे केवल हमारा ही चैनल दिखाई देगा, किसी और का चैनल दिखाई नहीं देगा। तो इससे YouTube पर कोई भी आपके जैसा चैनल नहीं बना पाएगा सेम नाम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक यूनिक चैनल हैंडल URL कैसे सेट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने मेल ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाने के लिए, आपको भी इस तरीके का मेल आया होगा, और आप टेंशन ना लें, अगर आप मोबाइल फोन से यूज करते हैं तो आप मोबाइल में भी इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसकी स्क्रीन बड़ी होती है इसलिए आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको लैपटॉप पे सिखा रहा हूं। तो आपको इस तरीके का मेल मिला होगा, यू कैन नाउ चूज योर चैनल हैंडल। ठीक है, आपको भी ये मेल रिसीव हुआ होगा। मैं एक बार आपको इसे पढ़ के समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। एज ए रिमाइंडर, इन मोस्ट केसेज इफ यू ऑलरेडी हैव ए पर्सनलाइज्ड URL फॉर योर चैनल, वी हैव रिजर्व्ड This for you as your handle। मतलब ये आपसे कह रहा है कि अगर आपने पहले से कोई अपना कस्टम URL बना रखा है अपने चैनल का, तो ये उसी नाम को इन्होंने रिजर्व कर दिया आपके हैंडल नेम के लिए। ठीक है, अगर आप इससे हैप्पी हैं, इफ यू आर हैप्पी विद दैट हैंडल, देन यू आर ऑल सेट। इफ यू वॉन्ट ए डिफरेंट हैंडल फ्रॉम द वन वी रिजर्व, यू कैन चेंज इट। ये कह रहे हैं अगर आप उसी नाम से हैप्पी हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अगर आप उसमें भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव ए पर्सनलाइज्ड URL टुडे, यू विल आल्सो बी एबल टू चूज ए हैंडल। मतलब ये कह रहे हैं अगर आपने कस्टम URL नहीं बना रखा तब भी आप अपना एक अलग से हैंडल नेम चूज कर सकते हैं, कोई नाम रख सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कीप इन माइंड दैट हैंडल्स आर यूनिक टू ईच चैनल। जो ये हैंडल नेम है ये यूनिक है, मतलब So once a handle has been chosen, it cannot be selected by anyone else। मतलब अगर आपने अपने चैनल का नाम रख लिया तो वो कोई और चैनल आपके चैनल का नाम नहीं रख सकता, ये यूनिक है, एक चैनल को एक ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल केयरफुली सिलेक्ट करना है अपने चैनल के लिए। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज ए हैंडल का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चूज ए हैंडल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। मैंने कस्टम URL बना रखा था विकास 31 टैक के नाम से, तो इसने मुझे उसी को शो कर दिया कि ही देयर योर हैंडल इज रिजर्व्ड, योर हैंडल इज एट द रेट विकास 31 टैक। मतलब कोई भी अगर YouTube पे सर्च करेगा एट द रेट विकास 31 टैक तो मेरे चैनल उसको वहां पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, और कोई भी चैनल उसको शो नहीं होगा, सिर्फ मेरा ही चैनल शो होगा। तो ये काफी अच्छी चीज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एडिशनल चैनल URL इज ये, और मेरा जो URL है वो ये बन गया है youtube.com/@vikas31tech। और नीचे इसकी वीडियो दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं कि YouTube हैंडल क्या होता है, हैंडल्स और चैनल URL क्या होते हैं, आप सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने हैंडल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चेंज हैंडल जो ये दे रखा है आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे चेंज हैंडल पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चैनल आ गया, चैनल का URL आ गया जो इन्होंने बनाया है, और हैंडल का नाम आ गया @vikas31tech। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये ओके लग रहा है तो यहाँ पे आपको कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक करना है।
तो आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली सिलेक्टेड योर हैंडल, हैंडल विल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन यूट्यूब लेटर दिस ईयर। ठीक है, इस ईयर के बाद से ये स्टार्ट दिखने लग जाएगा यूट्यूब पे ये हैंडल। इस ये आपका यूआरएल हो गया, ठीक है, कंटिन्यू टू वर्क हो गया। यहाँ पे कोटेड पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका जो यूट्यूब का चैनल हैंडल है वो बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल के हैंडल का यूआरएल और अपने चैनल का नेम सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल के लिए एक यूनिक चैनल हैंडल नेम URL सेट कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।